हेलो स्टूडेंट एग्जाम्पल सेवन पॉइंट सिक्सटीन जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट्स एंड यू कैन या यू कैन कनेक्ट कॉन्टैक्ट मीट डायरेक्टली थ्रू द इंस्टाग्राम ओके चल यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हो जो पुरानी बुक थी गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ वहाँ पर ये थियोरी था लेकिन यहाँ पर देखिए थ्री बॉडीज अ रिंग अ सॉलिड अ सिलेंडर एंड सॉलिड स्पीयर अभी यहां पे तीनों चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शियर डिफरेंट होता है वो कैसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे देखते हैं द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग मीन्स विदाउट स्लिपिंग मीन्स रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों हो रहा है दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट द रेडियस ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिकल विच ऑफ द बॉडी रीच इज ग्राउंड ग्राउंडेड विद द मैक्सिमम वैलोसिटी किसका मैक्सिमम वैलोसिटी क्या होगा वो हमें डिफाइन करना है लेकिन पहले मैक्सिमम वैलोसिटी का फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा इसल मैथड में हम लोग बोले तो हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो सिंपल यू कैन सी द यहाँ पे एक हाइट से इंक्लाइन से द रेडियस आर वाला क्विस्फियर यहाँ पे अभी एक थिंग दिखा दिया है ठीक है अकॉर्डिंग टू द थियोरी के का फॉर्मूला कनेरिक एनर्जी वन हाफ एम वी स्क्वास के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चलो के क्या है हमारे लिए के इज़ अ गाइरो मैग्नेटिक रेशियो क्योंकि वही तो हम लोग कंपेयर करेंगे अब पर्टिकुलर हाइट से आ रहा है कहाँ से आ रहा है हाइट से आएगा तो हाइट से आएगा तो यहाँ पे इस इक्वेशन वन बोलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच क्योंकि पर्टिकुलर हाइट से आ रहा है तो एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं एम जी एच तो वही चीज़ यहाँ ऐड करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एम जी एच इन इक्वेशन वन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह पे वन हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्वेश्चन में देखिए दे आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी क्या बात कर रहे हैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो पहले वेलोसिटी डिफाइन कर एम एम विल बी कैंसल आउट सो जी एच ये चीज मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगी डिवाइड वन प्लस के स्क्वायर बाय आर इक्वल टू वी स्क्वायर सो हियर वी गेट द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी एच इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वाय आर स्क्वायर रस टू वन बाई टू ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी यू कैन सी ओ यार्म द ऑफ द वेलोसिटी ठीक है अब यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे अलग अलग चीज का डिफाइन करना है पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिंग का पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिंग चलो रिंग के लिए बात करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पहले आई इज इक्वल टू रिंग के लिए एम आर स्क्वेयर इसे करना कुछ नहीं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर के साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे यू कैन सिंपली राइट के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कंपेयर हो गया वही चीज को हमें इक्वेशन जो हमारा पहला था उसमें लगाना है तो विल गेट वर्थ वी इज इक्वल टू हम लोग सिंपली ये वाला इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पे लगाना है तो वी कैन राइट टू जी एच फॉर्मूला क्या वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ पूरा फॉर्मूला रस टू वन बाई टू अब के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर बाय के स्क्वायर और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया मिला क्या हमें टू जी एच डिवाइड बाई टू रस टू हाफ टू विल बी कैंसल आउट सो यहां पर रिंग में लिख लिया रिंग अंडर जीएच रिंग के लिए मिला ठीक है सेकेंड वन फॉर द सॉलिड सिलेंडर फॉर द सॉलिड सिलेंडर फॉर द सॉलिड सिलेंडर चलो सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर के लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले I इज इक्वल टू वन हाव एम आर स्क्वायर सेम I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के साथ कंप्यूट के लिए के स्क्वायर इज इक्वल क्या मिला ये इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल मिल गया आर स्क्वायर बाई टू ठीक है क्या मिला आर स्क्वायर बाई टू ठीक है तो यहाँ पे हमें K square के स्क्वायर की वैल्यू हमारा जो इक्वेशन उसमें डायरेक्ट लिख लूँ अभी टू जी एच इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर टू और यहाँ पे ये आर स्क्वायर तो है ही ठीक है और ये इससे पूरा रेस्ट टू हाफ़ आर स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी कैंसल आउट सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2GH divide by one plus one half. Half. टू जी एच डिवाइड बाई वन प्लस वन हाफ़ रस टू हाफ ठीक है अब ये देखिए टू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो क्या मिला हम हमें मिला टू जी एच डिवाइड बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस टू हाफ एज सिंपल एज सो ये टू तो यहाँ का पर आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर जी एच क्या लिख सकते है? हम लोग v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर उट फोर जी एच और डिवाइड बाई टू प्लस वन मीन्स थ्री लिख सकते हैं ये किसके लिए है फोर द सिलेंडर और हम लोग बोल सकते सॉलिड सिलेंडर, सो so, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर एस सी ये हो गया अब बाकी हमारे लिए थर्ड वन विच इज क्या है सॉलिड स्पीय सॉलिड स्पीय और सॉलिड स्पीयर की बात करें तो सॉलिड स्पीयर के लिए आपको सिंपल याद होना चाहिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर अगेन कंप्यूट कीजिए आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के साथ तो के स्क्यर इज इक्वल टू दिस मैं लिख लेता हूँ के स्क्वायर इज टू बाई फाइव आर सॉरी टू बाई फाइव आर स्क्वायर ठीक है वही सॉलिड स्पीयर एस पी लिख लेते हैं फॉर्मूला वही टू जी एच वन प्लस के की जगह क्या लिखेंगे टू बाई फाइव आर स्क्वायेयर यहाँ पर तो आर है ही और उसका पावर रेस्ट वन बाई टू आर स्को आर विल बी कैंसिल आउट सो ये टू जी एच फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए फाइव प्लस टू डिवाइड बाई फाइव प्लस टू हाफ़ ये फाइव ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा टेन जी एच फाइव प्लस टू सेवन प्लस टू हाफ़ सो वी स्फीयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ़ क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ टेन जी एच बाय सेवन ठीक है सो यहां पे हम लोग बहुत क्लियर बोल सकते हैं तीनों बॉडी के लिए सबसे ज्यादा किस में रहेगा रिंग हैज अ लिस्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन किसके लिए द रिंग हैज द लिस्ट वेलोसिटी वापस रिपीट कर रहा हूं रिंग हैज अ रिंग हैज अ लिस्ट वेलोसिटी एट द बॉटम क्योंकि आप लोग यहाँ पे तीनों इक्वेशन एक, कंप्लीट करके उसके वैल्यू क्योंकि जी और एच का हाइट आप लोग कांस्टेंट करके जी और जी उसके साथ ये टेन बाई सेवन जी यहाँ फोर बाय थ्री जी और जी करके उसका वैल्यू ऐड करके आपका आराम से डिफाइन कर सकते हैं आई होप यू विल गेट दिस गेट दिस थिंग टेक केयर एंड बाय